सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। पिछली बार हमने किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, अब लेकर हम आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 सेम तरीके से करेंगे। पहले करूंगा चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको एकदम इस चीज की गारंटी देता हूँ जब ये वीडियो एंड करोगे तब कहोगे भैया मजा आया, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर हम समरी करने वाले कि किस किस तरीके से हम इस चैप्टर को एक ब्रीफ देना, ताकि हमें पता चल सके कि बॉस हमें आंसर्स की स्टार्टिंग ऐसे करनी है, और जब हमें पता चल जाए कि आंसर की स्टार्टिंग ऐसे है तब करके भी देख लेंगे कि बॉस आंसर की स्टार्टिंग करनी किस तरीके से है। तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे हम अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द लिटिल गर्ल, यानी कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की कहानी है, बहुत ही मतलब एक इमोशनल सी कहानी है जो आपको भी महसूस होगी और मुझे भी महसूस हुई थी जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, द लिटिल गर्ल। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बिफोर यू रीड के लिए कुछ कहा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। बिफोर यू रीड एक डिस्क्लेमर यहाँ पे चैप्टर से पहले है, मेरी वीडियो से भी पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को कि आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक हाथ में अपने पेन पेंसिल, दूसरे हाथ में आपकी बीआई बुक और जो जो वर्ड मीनिंग्स मैं लिखा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा, जैसे मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपको ही का यहाँ पे किसी रेफर करे फादर को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाथों हाथ लिखना है बॉस, आपको मेरी वीडियो सिर्फ एक बार ही देख के खत्म करना है, ऐसा नहीं कि बार बार देखते जाओ ना बॉस, एक बार ही देखो खत्म करो, बार बार देखोगे तो इससे आपका भी दिमाग खराब होगा और टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, तो देखिए पहले डिस्क्लेमर एक थोड़ी चीजें बताना चाहते हैं, कहते हैं डू यू फील दैट यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता को अब अच्छी तरीके से जानते हैं, देन व्हेन यू वर मच यंगर, यानी कि काफी बार ऐसे होते हैं ना कि मम्मी पापा बचपन के अंदर हमारी पिटाई सी करते हैं, तब तो हमें ऐसा लगता है क्या यार हमेशा मारते पीटते रहते हैं, उनके मम्मी पापा देखो ये सारी चीजें करते हैं, हमारे मम्मी पापा देखो ऐसे कुछ करते नहीं है। हम लोगों को काफी बार लगता था ना ऐसे कि यार जब छोटे होते थे, जब हम 4th-5th क्लास में होते थे, लेकिन अब आप जब 9th क्लास के अंदर, आपको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे मम्मी पापा ने एक्शन मुझे उस टाइम मुझे मेरे कम मार्क्स आने पर डांटते थे, तो उसकी वजह क्या थी, ताकि वो मुझे इंप्रूवमेंट चाहते थे कि मैं इंप्रूव करूं, ये उनका था उस टाइम की सोच थी, क्योंकि उस टाइम जब हम बच्चे थे तब तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता, उस टाइम तो हमें लगता कि भाई मार पड़ रही है बस, लेकिन हम 9th क्लास में है तो हमें समझ में आता है कि हमारे माँ बाप हमें क्यों मारते थे, हमें क्यों हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते थे काफी बारी, हमें हर एक चीज का रीजन पता चलता है। तो वही सेम चीज है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छी तरीके से जानते हो एज कम्पेयर टू द टाइम पहले के मुकाबले। Perhaps you know, perhaps you now understand the reason for some of their actions. जैसे मैंने कहा कि माता पिताजी ने पिटाई पिटाई बहुत पिटाई करी है, मेरी तो बहुत ज्यादा करी है, जो पिटाई का जो पिटाई हुई थी उसका कारण कहीं ना कहीं समझ में आता है। खासकर आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको यहाँ से ज्यादा रिलेट होगा, जब हम जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं एक जा रहा था एक बार कहीं, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो था ना वो थोड़ी बक्तमीजी टाइप कर रहा था, तो मुझे लगता है, तो मुझे एक सिनेरियो याद है कि एक बार मैंने भी ऐसे कुछ कर रहा था जब मैं छोटा था, लेकिन उस टाइम मुझे पड़ी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे क्या याद है कि शायद मैं मेरे व्यवहार के अंदर ये चीजें जो परिवर्तन नहीं आते अगर उस दिन मुझे मेरे मम्मी पापा ना मारते, तो देखा जाए कहीं ना कहीं आज मुझे समझ में आ रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, मुझे समझ में आ रहा है कि बॉस उस टाइम पे चीजें करते थे तो करते क्यों थे, मुझे उनका रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट दे यूज्ड टू अपसेट मी अर्लियर, पहले तो बहुत रोता था मैं, अब तो चलो मार मार के एकदम लोखंड बना दिया मुझे। द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल, कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में जिसकी फीलिंग अपने पिताजी के बारे में चेंज हो जाती है। कहां से चेंज हो जाती है, पहले उसे अपने पापा जी से डर लगता था, एक वैसे देखा जाए एक जनरल ऑब्वियस सी थिंग है कि हम जब बच्चे हैं, हम जो बच्चे हम अपना ज्यादातर टाइम जब हम छोटे होते थे हम अपना ज्यादातर जो हमारा टाइम था वो हमारी मम्मियों के साथ बिताते थे और पापा के साथ, मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले पापा के नाम से ना सिर्फ डर सा लगता था कि हाँ पापा आ गए हैं तो एकदम साइलेंट हो जाओ, मम्मी के साथ एकदम घुल मिल जाते थे, पापा के साथ ऐसा होता था बिकॉज आवर फादर यूज्ड टू वर्क, सिर्फ रात को आते थे काम करके और सुबह देखते थे, बाकी सारा टाइम हमारा ज्यादा मम्मी के साथ बीतता था, तो इससे क्या होता था हमारी जो हमारे पेरेंट्स के बीच के अंदर मेरे हमारे और हमारे फादर्स के बीच के अंदर थोड़ा सा टाइम का गैप आ जाता है, क्या जाता है टाइम का गैप आ जाता है। अब उस टाइम गैप की वजह से क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते जितना हम अपनी मम्मी से करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन एज तक, बाद में धीरे धीरे करके तो हम सब एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब हमारे इमोशनल बॉन्ड हमारी माँ के साथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आवर फादर्स, ठीक है। तो फिर उस बच्ची के मन में भी, क्योंकि बच्ची छोटी है हमारी, केजिया जो नाम की बच्ची है बच्ची बहुत छोटी है, तो पहले तो उसके मन में डर था, लेकिन वहां से वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हुई कि हाँ
माय फादर इज अ नाइस फादर ओके विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। और ये कहानी आपके मेरे हर उस बच्चे के दिल के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी जगह बनाएगी जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। स्टार्ट करते हैं टू द लिटिल गर्ल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो जो मैं लिखा हूँ लिखना जरूरी है बॉस, चाहो तो अभी वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर ये वीडियो देख लो तो लिखो, ये मत हो ये ना हो आप लोगों के साथ कि आप लोग बाद में देख लेंगे। बेटा बाद में नहीं आता, ठीक है। बींग अ एल्डर ब्रदर आप लोगों से कह रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा प्लीज ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। आप लोगों की उम्र में थोड़ा बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं कि टाइम वेस्टेज मत करो आप लोग उतना, ठीक है। टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची के लिए, छोटी बच्ची का नाम क्या है हमारे पास, केजिया, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल गर्ल, द नेम ऑफ द स्मॉल गर्ल इज केजिया। टू द लिटिल गर्ल ही यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, उसके पापा को। ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, फिगर टू बी फियर्ड का मतलब है एक पर्सन जिससे हमें काइंड ऑफ डर सा लगता है। तो जो छोटी बच्ची थी ना केजिया, उससे अपने पापा से कहीं ना कहीं डर सा लगता था, एंड अवॉइड करती थी। अवॉइड करना मतलब उसके पापा है तो वो एकदम शांत शांत थी, मतलब देख नहीं रही उनकी तरफ, नहीं देख रही, अवॉइड कर रही उन्हें, काइंड ऑफ अवॉइड करती थी, डरती थी उनसे। एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पे देखिए, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पे जाने से पहले, ही यहाँ पे वापस किसके लिए आया, फादर के लिए, केजिया के पापा के लिए। ही केम इन टू हर रूम, जो हमारे केजिया के पापा जी हैं वो केजिया के रूम के अंदर आते थे। हर यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, केजिया को, किसे रेफर कर रहे हैं ये, केजिया को। तो हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच, तो वो आते थे उनके फोरहेड के ऊपर एक कैजुअल सी किस करते थे, एंड विच ही रिस्पोंडेड विद, जिसका जो छोटी सी बच्ची क्या कहती थी, गुड बाय फादर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हम ही किसे रेफर कर रहा था, हमारे ये जो केजिया के पापा जी उन्हें रेफर कर रहा था। एंड ओ, उसके बाद वो कह रहे हैं ओ, एंड ओ देयर वाज अ ग्रैंड ओके देयर वाज अ ओके देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड सेंस ऑफ मतलब, ग्लैड का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ मतलब छुटकारा मिल गया, क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया उसे। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज गोइंग अवे, गोइंग सॉरी कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, यानी कि अब यहाँ पे पता है क्या बात हो रही है, जो छोटी सी बच्ची थी ना वो ऐसे हो जाती थी, जब अपने लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे हमारे पापा आते हैं ना कभी कार, मतलब कार बाइक किसी भी ऊपर आता है, जैसे वो आने लगते हैं ना हम लोगों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है, सबके साथ होता है कि जैसे आए तो उनकी जो भी व्हीकल है, यहाँ पे कैरेज किसे रेफर करे, व्हीकल को। जैसे यहाँ पे तो मैंने इमेज लगाई कैरेज की, कैरेज यहाँ पे किसे रेफर करे, व्हीकल को। तो जिस व्हीकल से वो जाते थे ना, जैसे जैसे वो अपने काम के लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे अमाउंट आवाज क्या हो रही है, फेंट होती जा रही है, कम होती जा रही है, वैसे वैसे उसके मन में क्या आता था, सेंस ऑफ रिलीफ आता था, चलो पापा जी गए, अब नाउ इट्स माय टाइम, ओके। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। इन द इवनिंग ही यहां पे वापस उसके पापा जी, केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। तो जैसे उसके पापा वापस आते थे तो वो क्या करते थे, सीढ़ियों के पास, स्टेयरकेस है रेफर टू, सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड नॉइज इन द हॉल, और उसके पापा की जो लाउड नॉइज थी, जनरली मैन जो होते हैं उनकी आवाज होती है डीप होती है, थोड़ी भारी आवाज होती है हम लोगों की, इसी भारी आवाज को वो सुनते थे। तो कह रहे हैं हर्ड द लाउड वॉइस इन द हर्ड द लाउड नॉइस इन द हॉल, यानी कि उनके पापा की जो आवाज थी वो ना हॉल तक सुनाई दे जाती थी। Bring my tea into my drawing room. वो अपने ऑर्डर देते हैं कि यार, जैसे हम सब के पापा कहते हैं यार चाय बना लो, तो वो भी पापा से उनके भी केजिया के पापा कहते हैं अरे मेरी चाय मुझे ड्रॉइंग रूम के अंदर दे रहा है मुझे। Has it the paper come yet? कि भैया पेपर नहीं है अभी तक। मदर, अब यहाँ पे मदर किसे रेफर किया जा रहा है, ये है ग्रैंड मदर ऑफ केजिया, ग्रैंड मदर ऑफ केजिया, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कहानी के अंदर। ये है कौन वाली, ग्रैंड मदर ऑफ केजिया। गो एंड सी इफ द पेपर आउट देयर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जाओ माँ देखो कि क्या पेपर्स आए या नहीं है, इवनिंग पेपर जो होते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो माँ कोई पेपर्स आए नहीं है, मुझे पेपर पढ़ना, चाय के साथ होता है चाय के साथ पेपर, ठीक है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर्स यानी कि मुझे मेरी चप्पलें ला के आप दे दो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, केजिया, अब यहाँ पे केजिया, अब इसे कौन बुला रहे केजिया को, अब यहाँ पे आपको ना हर एक पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सीन एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दादी माँ केजिया को बुला रही है, तो दादी माँ कहती है केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, यानी कि उसकी दादी माँ बुलाते हैं उसे, मदर यहाँ पे उसकी माँ के लिए नहीं आ रही, यहाँ पे उसकी दादी माँ के लिए आ रहे हैं, ओके। मदर किसकी, उसके पापा की। तो केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल You can come down and take off your father's boot. तो फिर दादी माँ कहती है कि बेटा अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जाओ कमरे के अंदर जाओ, तुम्हारे पापा के जूते हैं उन्हें निकालो, उन्हें स्लीपर्स ला के दो, be a good girl.
ठीक है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो वो बच्ची बहुत ही धीरे 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 धीरे, डर था ना बच्ची के मन के अंदर, तो बच्ची बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ती है, ओके, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द फ्लोर, तो वो ऐसे धीरे धीरे कर करके हॉल तक तो पहुंच गई बेचारी, एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम डोर, तो उसने ड्रॉइंग रूम का जो डोर था वो बहुत ही स्लो मोशन में ऐसे खोला. By that time he had his spectacles on. तो उस टाइम पे क्या था कि उन्होंने क्या था जो केजे के पापा थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को इस तरीके से पहने हुए थे, ठीक है, he had his spectacles on, मतलब spectacles पहने हुए थे, and looked at her over them. Over them का मतलब होता है ऐसे, जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे करके उन्होंने देखा, ठीक है, looked at them over them in a way that was terrifying to the little girl. आप जैसे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, देखना डायग्राम क्लियर है या नहीं. हाँ डायग्राम क्लियर है, ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हो ना वो इस तरीके से, अब ऐसे कोई छोटी सी बच्ची को ऐसे करके देखो तो बच्ची क्या है थोड़ा सा डर गई है, ठीक है, मोस्ट टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, टेरिफाइंग मतलब थोड़ा डरावना, ओके, थोड़ा डरावना था. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो वहां पे उनके पिताजी कहते हैं कि अरे केजिया जल्दी से आओ, ये जूते निकालो, इन्हें बाहर रख के आओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और जैसे हम सबके पेरेंट्स हम लोगों से काफी बार पूछते हैं कि क्या तुम अच्छे अच्छे बच्चे बन के रहे या नहीं रहे, तो वो क्या उन्होंने भी कहा कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन के रहे. आई डोंट नो, ओके, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर. अब यहाँ पे आई डोंट, यानी कि अब ये क्या करिए थोड़ा सा हकला रही है, यानी कि वो थोड़ा बोलने के अंदर सटे करिए, यानी कि वो उससे प्रॉपरली बोला नहीं जा रहा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल के अंदर कीजिया को बोलने की दिक्कत थी, नहीं, वो किसी के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन उसके पापा के मन के अंदर थोड़ा डर था. काफी होता है ना कि खासकर जब कोई बड़ी शरारत करके आए हो और जब पिताजी के सामना होता है तो हम ऐसे होते हैं गलती हो गई ऐसे करके थोड़ा कप कप आते, तो वो ऐसे उसके लिए भी था कि उसके मन में भी थोड़ा डर था, तो वो भी बच्चे ऐसे बोलती थी आई डोंट नो फादर. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यू डोंट नो, तो पापा भी उसकी मिमिक्री उतारते हुए कहते हैं, उसकी एक्टिंग करते हुए कहते हैं यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता. इफ यू स्टटर, इफ यू स्टटर मींस हकलाते हो, अगर आप हकलाओगे लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर बेटा आप इस तरीके से हकलाओगे तो आपको तो बहुत समय डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड, यानी कि वो कभी हकलाती नहीं थी, बट अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद द फादर, यानी कि वो किसी और के सामने नहीं हकलाती थी, विद ऑल मम्मी पापा सॉरी मम्मी दादी माँ बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं इजीली टॉक कर पाती थी, लेकिन उसके मन में काइंड ऑफ क्या था, डर था, फियर था अपने पापा के, जिससे वो क्या करती थी ना अवॉइड करती थी, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, इसलिए वो क्या करती थी हकलाती थी. हकलाती क्यों थी, क्योंकि उसे काइंड ऑफ डरती थी वो अपने पापा से, ठीक है, इसलिए बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो डेट टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो डर जाती थी, वो ढंग से वर्ड्स का उच्चारण नहीं कर पाती थी, ढंग से वर्ड्स को बोल नहीं पाती थी. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट द मैटर, क्या भैया व्हाट द मैटर, क्या हुआ बच्चा, व्हाट द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो ब्रेथ, ब्रेथ मींस अनहैप्पी अबाउट, कि बेटा तुझे क्या हो गया, तू तो छोटी बच्ची है, तुझे किस चीज के दुख सता रहे, व्हाई आर यू अनहैप्पी. मदर आई विश यू टॉट द लिटिल गर्ल नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो वो कह रहे हैं तो हमारे जो भाई साहब है वो कहते हैं कि मम्मी दादी अपनी जो केजिया की दादी माँ को कह रहे हैं, यानी कि अपनी मम्मी को कह रहे हैं, अरे माता जी इस बच्ची का कुछ करो, ये बच्ची तो ऐसा लग रहा है कल ही सुसाइड करने बैठेगी, इतना डर क्यों रही है ये. ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, ब्रिंक ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, माँ इसे बच्ची को संभालो ये तो सुसाइड कर बैठेगी. हेयर केजिया कैरी मै टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरी चाय ला के दे दो मुझे, बच्ची को थोड़ा सुधारो, उसे कुछ करो, ये तो सुसाइड करने की एक तरीके से आगे सुसाइड के पास. He was so big. अब यहाँ पे उसका फादर का थोड़ा आउटर अपीयरेंस के बारे में, अब एक छोटी बच्ची किसी बच्चे के से अपने पापा का आउटर अपीयरेंस कैसे देती, ये भी काइंड ऑफ फनी है. देखिए कैसे कहा है, He was so big. His hand, his neck, यानी कि उनके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, especially his mouth when he yawned. Yawn का मतलब होता है उबासी लेने, जब हम उबासी लेते हैं ना तो हमारा माउथ कैसे होता है एकदम बड़ा सारा खुलता है ना, when he yawned. तो उसका उनका जो मुंह था वो बहुत बड़ा हो जाता है, खासकर जब वो क्या नाम लेते हैं उबासी लेते थे, उबासी लेना. Thinking about him alone was like thinking about a giant. जब भी हम उनके बारे में सोचते थे ऐसा लगता था कोई giant के बारे में सोच रहे हैं. Giant मतलब Clash of Clans के अंदर आते हैं ना, Clash Royale के अंदर giant type. तो उस हिसाब से लगता था बड़ा सारा चेहरा, जैसे उनके अंदर भी होता है ना बड़े बड़े हाथ, बड़ा सा चेहरा, तो ऐसा लगता कोई giant के बारे में हम सोच रहे हैं. ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. अब ऑन संडे आफ्टरनून, अब एक दिन क्या हुआ, एक संडे आफ्टरनून को क्या हुआ, केजिया को, केजिया की दादी माँ को पता था कि भैया
कि दादी माँ थी तो उन्हें पता था कि भाई मेरी पोती कहीं ना कहीं अपने पापा से डरती है और अपने पापा मम्मी के साथ इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा आज तुम्हारे पास टाइम है, जाओ अपने मम्मी पापा के साथ मिलो, थोड़ा उनके साथ बातचीत करो, सो डेट आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है वो डेवलप हो। तो वही यहाँ पे बात हुई। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम, यानी कि उनके जो क्या हुआ कि दादी माँ ने किजिया को भेजा कहाँ, ड्रॉइंग रूम के अंदर ड्रॉइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर, कि आप एक तरीके से अपने मम्मी पापा से बातचीत करो, उनके साथ थोड़े इमोशनल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, पर उन्हें क्या लगता था हमेशा जब भी वो जाते थे तो उन्हें क्या मिलता था कि माता जी किताब पढ़ रही है, पिताजी आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं ऑन द सोफा विद हिज हैंड विद अ हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, यानी कि वो जो रुमाल जो होता है वो अपने चेहरे के ऊपर डाल देते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से इमेज के अंदर दिख रहे हैं ना, जैसे उनके पापा सो रहे और उनके चेहरे के ऊपर क्या है एक रुमाल सा लगा हुआ है, ठीक है। Okay, handkerchief on his face, his feet, okay, his feet on one of the best cushions, और उनके पैर कहाँ पे है, one of the best cushions के ऊपर है, sleeping soundly and snoring, snoring का मतलब होता है खराटे मारा, आराम से सो रहे हैं, खराटे मारे हैं, उनके पैर one of the best cushions के ऊपर है और handkerchief क्या उनके मुंह के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अब सी सैट ऑन द स्टूल, अब यहाँ पे बड़ा मस्त सीन आता है। तो एक्चुअल में पता है क्या हुआ, केजिया गई वहां पे, ठीक है, केजिया को देखा कि माता जी पढ़ रही हैं, पिताजी हैं, तो केजिया गई बैठी चेयर के ऊपर, ठीक है, और ऐसे करके ना घूरने लग पड़े अपने पापा को। उनकी मम्मी ने कहा, उनकी दादी माँ ने तो कहा था डेस्क टॉप, तो वो ऐसे सोच रही थी अच्छा उठेंगे तो बात करूंगी, तो ऐसे करके अपने पापा को क्या करने लग पड़ी, घूरने लग पड़ी, जैसे ऐसे मेज के अंदर है ना, ऐसे करके क्या करने लग पड़ी, घूरने लग पड़ी। सी सैट ऑन द स्टूल, ओके, वो स्टूल पे जाके बैठी ग्रेवली, मतलब गंभीरता से, ऐसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से, फोकस नजरिए से, वॉच हिम यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, उनके पिताजी को, फादर को, एंड वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, उनका अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, यानी कि जब तक वो उठे और एकदम अंगड़ाई सी लेते हैं ना हम लोग, ऐसे स्ट्रेच्ड स्ट्रेच करते हैं ना हम लोग अपने आप को, बिल्कुल वैसे। तो अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आस्क द टाइम, तो उठते हम सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं, कितना क्या टाइम हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही, तो जब तक वो उठे स्ट्रेच किया, पूछा कि क्या टाइम हो गया, एंड देन लुक्ड एट हर, आप सोचो, अब थोड़ा इमेजिन करो, बड़ा मस्त सीन बनेगा, आप ऐसे उठे हो, ऐसे करो कि भाई क्या टाइम हो गया, ऐसे मुड़ा और अचानक से क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा, एक बच्ची आपकी तरफ ऐसे देख रहे, घूर ही आपको गंभीरता से, ओके, डोंट स्टेयर सो केजिया, ए बच्ची मेरे को इतना साइको घूर रही है, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, बेटा तुम थोड़े ब्राउन ओल जैसे लग रहे, तो एकदम क्या बात है, इतना घूर क्यों रही है मुझे उल्लू की तरह। One day when she kept indoor with a cold, यानी कि एक दिन क्या हुआ कि बॉस बाहर थी ठंड, तो बच्ची को कहा कि बेटा बाहर ठंड है तो आप ही काम करो अंदर ही रहो। Her grandmother told her that her father's birthday was the next week, यानी कि उनके पिताजी का जो जन्मदिन था वो अगले ही सप्ताह था, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा आपके पिताजी का बर्थडे है, कुछ करो, गंभीरता से तो घूर लिया, डरा दिया, अब थोड़ा अपने माता जी अपने पिताजी का बर्थडे है तो उनके लिए कुछ एक प्रेजेंट सा बनाओ, उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए एफर्ट्स किए, तो डेफिनेटली अगर आपके लिए कोई एफर्ट्स करता तो अच्छा लगता है। तो उनकी दादी माँ ने भी कहा कि बहुत आप अपने पापा के लिए थोड़े एफर्ट्स करो। Okay, father's birthday was the next week and suggested that she should make him a pin cushion, यानी कि जैसे वो एक cushion तो रखते थे अपने पैरों के नीचे, तो वो कहते हैं कि एक और cushion बना के दे दो उन्हें, for a gift out of the beautiful piece of yellow silk, यानी कि वो कहते हैं beautiful yellow silk का कपड़ा दे रही हूँ मैं आपको, इसके ऊपर लो, इसके ऊपर बहुत ही प्यार सा cushion बनाओ, अपने पापा को उनके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दो। आगे देखो, laboriously का मतलब होता है विद बहुत ज्यादा एफर्ट्स और डिफिकल्टी के साथ, छोटी सी बच्ची है वो सिलाई कर रही है, ऐसे मतलब शेप सी बना रही है, कैसी शेप थी वैसे, रेक्टेंगुलर शेप थी, ठीक है, इसे आप ट्रायंगुलर मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको है ना काफी बार हम लोग पहले थोड़े एजम्पशंस पहले कर लेते हैं, तो ये किस शेप के अंदर होगा, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होगा, अब आपकी एजम्पशंस क्या आएगी, अभी आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस शेप के अंदर था हमारा, रेक्टेंगुलर शेप में था। देखो, लेबोरियसली एफर्ट्स एंड डिफिकल्टी के साथ विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच द थ्री साइड्स, यानी कि जो लिटिल गर्ल थी उसने तीन साइड तो सील कर दी लेकिन चौथी साइड रहेगी, क्यों, क्यों चौथी साइड के अंदर भाई ऐसे खाली कुशन थोड़ी ना, कवर थोड़ी ना देना, पिलो देना है, तो पिलो के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ अंदर कुछ कोमल सी चीज डालनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ही कोमल सी चीज डालनी पड़ेगी। बट व्हाट टू फिल इट विद, तो छोटी बच्ची के मन में सवाल है कि भैया बना तो दिया, अब इसके अंदर भरूं क्या मैं चीज, क्या चीजें भरनी चाहिए इसके अंदर, तो उस बच्ची के मन में भी है सवाल, दैट वाज द क्वेश्चन
भाई बच्चे के मन में क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वंडर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम लुकिंग फॉर स्क्रैप। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार दादी माँ आ जाए तो उनसे पूछ लेंगे भैया क्या करना चाहिए, पर दादी माँ कहाँ थी, बाहर थी, गार्डन के अंदर थी। तो बच्ची ऐसे तलाश करते 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 कहाँ पहुंच गई, अपनी मम्मी पापा के बेडरूम के अंदर पहुंच गई। लुकिंग फॉर स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है, एक तरीके से कबाड़ कह सकते हैं हम इसे। स्क्रैप का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कबाड़ होता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्क्रैप एक अनयूजफुल थिंग है जो हमें यूज नहीं आ रही, जिसे हम किस चीज के लिए यूज करें, एक चीज के अंदर भरने के लिए यूज करें। स्क्रैप यहाँ पे इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। कबाड़ ढूंढने नहीं गई थी, वो क्या ढूंढने गई थी, एक ऐसी सी चीज जिसके लिए वो क्या कर सके, अपने पेलो क्वेश्चन को भर सके उसके लिए। ठीक है, On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper. तो बच्ची थी पता नहीं था, तो उसने ऐसे ढूंढते 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 जो बेड होते उसकी साइड टेबल के ऊपर से क्या लगा, बहुत सारे पेपर्स पड़े थे। उसने कहा क्या बात है, पेपर है, अपना काम मुद्दा भाड़ में जाए जनता। Gathered them up and tore them into tiny pieces and stuffed. यानी कि उसने क्या किया, बच्ची ने पेपर उठाया, ये चीर फाड़ एकदम किया and stuffed. Stuffed का मतलब होता है to fill something with something, यानी कि जो पिन क्वेश्चन था उसे जो पेपर्स के कटेड पीसेस के साथ स्टफ किया गया। स्टफ का मतलब होता है उस चीज के अंदर फिल अप करना। ओके, स्टफ्ड मींस टू फिल समथिंग विद समथिंग, हर केस एंड देन स्वीड अप द फोर्थ साइड। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, चौथी साइड को भी सील दिया। पिन क्वेश्चन तैयार। अब देखो आगे क्या हुआ। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry एक तरीके से नॉर्मल भाषा में कहूं तो बहुत ही ज्यादा घर के अंदर रोना वोना, ह्यू एंड क्राई मीन बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां, रोना, झगड़ा, ये सारी चीजें हुई थी घर के अंदर। क्यों हुई थी घर के अंदर देखिएगा, दैट डे देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लॉस्ट। अब आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, कौन से पेपर थे जिसे हमारे जो कीड़िया थी उसने क्या किया, फाड़ दिया और भर दिया अपने पिन क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने तो भर दिया, अब वो आराम से बैठी कि चलो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। लेकिन वो एक्चुअल में पेपर्स किस चीज के थे, वो एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। अब बाबा ढूंढे भैया हमने तो रखी तो ये पे थी, गई कहां, गई कहां। ओके, रूम्स वर सर्च, सारे कमरों को देखा गया कि भाई कहां पे रखे, भूल गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो हमारे घर के नौकर चाकर थे उनसे पूछा कि भैया आपने कहीं देखा है, आपने कहीं देखा है, कहीं आपने साइड में रख तो नहीं दिया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, फिर फाइनली मन में ख्याल आया कि बच्ची भी हमारे घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो भी वहां पे गए। ओके, केजिया, आई सपोज, अभी मुझे बड़ी मसलाई लगती है, केजिया माँ ने नॉर्मल पूछा, केजिया बेटा तुम्हारा उस जो एक स्पीच पे पेपर जो पड़े थे हमारे बेडरूम के ऊपर, तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पूछा, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि बेटा तुमने तो पेपर नहीं देखे। तो केजिया कहते हैं ओ यस क्यों नहीं देखे, मैं ही तो हूँ, आई एम द डॉन, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। तो बच्ची कहती है कि ये, ओ यस ही सेड, आई टोर देम फॉर माय सरप्राइज, मैंने तो फाड़ दिए उन पेपर्स को, आई एम द डॉन, मैंने तो फाड़ दिए सारे पेपर्स। What? अब माँ कहती, हे माँ, माताजी, माँ के मन में तो आया, what? क्या बात कर रही हो? Scream the mother, mother चिल्लाई और कहती, बेटा, तुझे यही पेपर वेले भरने के लिए, वहाँ पे तेरा बाप क्लेश मचा रहा है, तू यहाँ पे ये कर रही है। Come straight down to the dining room, this instant का मतलब होता है अभी इसी वक्त, dining room की तरफ चलो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। And she was dragged down, उसके बाद उसे dragged down मतलब ऐसे हाथ पकड़ के लेके आएगा, ड्रैग डाउन किया गया टू हर, वेयर फादर वॉज पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है काफी हम टेंशन के अंदर होते हैं ना, तो हम क्या होता है, हमारे हाथ ऐसे पीछे हो जाते हैं और हम एक सर्कुलर लूप के अंदर, सर्कुलर लूप आप इसे कह सकते हो, ऐसे ये पेसिंग का एक इमेज है। ऐसे करके उनके जो पापा थे वो गंभीरता से क्या कर रहे थे, चल रहे थे। कैसे करके चल रहे थे, ऐसे करके अप एंड फ्रॉन्ट, एक साइड से दूसरी साइड तक चल रहे थे। क्यों? क्योंकि टेंशन होती है हम लोगों को। ड्रैग डाउन, Father was pacing. Pacing का मतलब देखिए मैंने क्या लिखा, to walk up and down in the same area many time, especially because you are nervous or angry. काफी हम गुस्से में होते हैं ना, मैं ऐसे करते हैं यार क्या करूं, nervous से गुस्से के अंदर। To and from मतलब एक साइड से दूसरी साइड, इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहां मैं, किधर चला, ये फिसले नहीं, इन्होंने देखो क्या किया। Hand behind his back, हाथ अपने ऐसे पीछे रखते हुए, बिल्कुल ऐसे इमेज के अंदर दिखाया। Well, he said sharply, mother explained. He stopped and, यानी कि उन्होंने कहा, well, फिर ऐसे होता है ना, अच्छा ये मदर ने सारी बात बता दी कि भाई इसने तो फाड़ दी, उसने तो सारी चीजें फाड़ फूट के बना दिया। अब यहाँ पे पिताजी का हिस्सा है, well, he said, sharply, यानी कि उन्होंने कहा अच्छा, क्यों मम्मी ने सारी, मदर एक्सप्लेन का मतलब होता है मां ने उन्हें सारी बातें बता दी कि बॉस क्या क्या बातें हुई।
ठीक है, he stopped and stared at the child. Did you do that? उसने पिताजी ने ऐसे पूछा, क्या बेटा तुमने ये चीज किया? Did you do that? उन्होंने ऐसे गुस्से से पूछा, Did you do that? क्या तुमने वो सारी चीजें करी हैं? No, 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 no. तो बच्ची वैसे बहुत ज्यादा डरती है, पिताजी और गुस्से में, तो और बच्ची डर गई. तो बच्ची कहती, नो 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 नो, नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया. नो 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 नो, सी विस्पर्ड. विस्पर्ड होता है मन के अंदर, मतलब ऐसे थोड़ा बड़बड़ करने एक तरीके से, नो नहीं नहीं ऐसे बोलना, मतलब थोड़ा विस्पर करना. ठीक है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. वो अप, उन्होंने कहा कि दादी माँ, दादी माँ से कहा, मदर आप जाओ ऊपर और वो जो भी डैम थिंग, डैम थिंग यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं? पिलो को, जो येलो पिलो बनाया था ना उन्होंने, वो कहते हैं वो जो चीज है उसे अभी इसी वक्त नीचे लाया जाए. उन्होंने बहुत ही गुस्से से कहा, मम्मी आप जाओ और वो जो केजिया ने ऊपर जो चीज बनाई उसे अभी नीचे लेके आओ. टेक डाउन द डैम थिंग राइट नाउ. ठीक है, सी डेट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और यहाँ पे उन्होंने कहा कि और एक चीज इंश्योर करो, वो चीज लेकर आओ, उस बच्ची को ऊपर जाओ, सुला दो, मेरा माथा और गर्म ना हो. अब यहाँ पे एक्चुअली पता है इन्होंने ये क्यों कहा कि बच्ची को अभी जाके सुला दो? क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एक संदीप सर की भी बहुत बढ़िया एडवाइस है. संदीप सर कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ना जहाँ पे आप लोगों को सेट ना हो कि यार ये जो सिचुएशन है ना ये कहीं ना कहीं मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो उस सिचुएशन का बेस्ट उपाय बताओ, वो जगह से निकल जाओ. क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो तब आपके जो आप नहीं चाहते होते दूसरे पर्सन को हर्ट इंटेंसली या अनइंटेंसली करने के लिए, आप वो चीजें बोल देते हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती. तो वही सेम चीज था कि बाप के मन के अंदर इतना ज्यादा था, तो उन्होंने कहा छोटी बच्ची को कि बेटा तो इसे, बेटा तो निका सॉरी, वो कहते इसे जल्दी से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जल्दी लेके जाओ, क्योंकि मेरा गुस्सा हुआ तो मैं बच्ची को, मतलब मेरा हाथ ना उठ जाए बच्ची के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा गुस्सा होता है. तो वो कहते हैं वो चीज को एक बार साइड कर दो मेरे पास से. ठीक है, दिस इंस्टेंट, यहां तक मैंने पढ़ा दिया, आगे बढ़िया. तो यहाँ पे थोड़ा सिंचन टाइप थोड़ा सीन हो गया. सिंचन को जब डांट पड़ती है तो वो भी कोना पकड़ लेता है ना, बकेजिया भी बच्ची थी तो उसने भी सिंचन देखा था, वो भी कोना पकड़ के बैठ गई. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. अब बच्ची ने किया जो जो था वो तो उसने अपने क्या नाम लिखा, अपने पिताजी की खुशी के लिए किया था, लेकिन करने गया भला पर हो गया कुछ और, तो वही सेम चीज होगी हमारी पहले बच्ची के साथ. देखिए आगे क्या हुआ. सी ले इन द स्टैंडर्ड रूम, यानी कि वो होता है ना एक घर का एक अंधेरा भरा कमरा का जो एक अंधेरा कोना होता है ना, उसने बच्ची ने वो कोना पकड़ लिया. ओके, सी ले, ले मतलब बैठी हुई थी कहां पे, ले मींस बैठी हुई थी, इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक साइड पैटर्न्स ऑन द फ्लोर. सिंचन ऐसे करते हैं ना जमीन के ऊपर ऐसे, तो वो साइड पैटर्न से बना रही थी फ्लोर के ऊपर. ओके, देन द फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. तो पिताजी आए हाथ के अंदर, आए तो कलेनिया, कहते बेटा तुमने मुझे येलो क्वेश्चन दिया, अब मैं देख तेरे लिए रूलर लेके आया हूँ. ठीक है, तो एक पट्टी सी लेके आए थे, रूलर पट्टी होती है ना एक तरीके से, यू कैन से स्केल. ठीक है, बड़ा वाला स्केल, छोटा स्केल नहीं, बड़ा वाला स्केल लेके आए थे, पट्टी बहुत है मेरा तक वो पड़ी, अच्छी बात है. देखिएगा आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. देखो कितना अच्छा बाप है ये, यहाँ पे कहानी में देखो ऐसे बता रखा है, हमारे बाप लोग हम लोगों को पूछते नहीं थे, सीधा ठोकते थे. ये है ना ऐसे, मतलब इतना देखो कितना कितना संस्कारी पिताजी, वो बता रहे हैं बेटा आई एम गोइंग टू बीट यू, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, बेटा मैं तुझे मारने वाला हूँ. ये तो मतलब जनरली, मतलब ये हमारे इंडियन पेरेंट्स में नहीं होगा, ये बाहर ही है कोई, कि हमारे इंडियन पेरेंट्स पूछते नहीं, सोडल नहीं होते, मतलब ऐसे नॉर्मल बात करोगे पता नहीं चलता. अगर कभी ये भी एक्सपीरियंस है, कभी आपके माता पिता गुस्सा हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा किस वक्त पढ़ने वाली है. ठीक है, आप अगर बैठे हो ना सीधा सडनली एक आएगा स्लो मोशन के अंदर, ये पढ़ाया पता नहीं चलता कब पढ़ गया. तो हमें तो क्या होता है, हम लोग तो अवेयर रहते हैं, जिस टाइम पापा गुस्से में होते हैं ना हम अवेयर रहते हैं कि जैसे आएगा ना हम पीछे डॉच करेंगे, क्यों कभी भी आ सकता है. ठीक है, तो बच्चे हमारे ये वाले पिताजी थोड़े संस्कारी थे, तो उन्होंने पहले बता दी कि बेटा मैं मारने वाला हूँ तुझे. ठीक है, ही सेड ओह नो नो. बच्ची भी कहती है नहीं नहीं मत मारो मत मारो मुझे, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. तो फिर वो क्या, बच्ची ने तो कंबल ओढ़ ली कि भैया देख ले मैं कंबल के अंदर छुप जाती हूँ, छोटी बच्ची थी. ही पुल्ड द बेड, पर पिताजी ने क्या किया, बच्ची को कंबल से बाहर खींचा. सेट अप, वो कहते बैठो सीधे. तुम्हें आज ये बात सिखानी जरूरी है कि तुम्हें उन सारी चीजों को टच नहीं करना जो तुम लोगों को बिलोंग नहीं करती, जो आप लोगों की चीज नहीं आप उसे टच नहीं करना. आपने मेरी स्पीच, आपको आपका तो कोई लेना देना नहीं था, आपने तो अपना पिलो क्वेश्चन बना दिया, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना, मैंने कितनी मेहनत करी थी उसके ऊपर,
तो उन्होंने कहा कि बॉस आपको उन चीजों का हाथ नहीं लगाना जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती है। बट इट वॉज बर्थडे, पर मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन कम द रूलर, पर पिताजी को कहा था, पिताजी ने ठोक दी, टक टडा टडा, एकदम ठोक दी विद रूलर, एकदम छोटे छोटे बच्चे के पिंक पिंक से प्यारे प्यारे से गालों के ऊपर जो एकदम मार दिया। आर्ट्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर ओके हैड ग्रैब्ड हर इन अ सोल, यानी कि थोड़े टाइम बाद दादी माँ आई, उन्होंने क्या किया, बच्ची को सोल उठाई एक तरीके से, ऐसे ग्रैब कर लिया। ग्रैब मतलब होता है लपेटना, ठीक है, बच्ची के अराउंड क्या लपेटी, उन्होंने कंबल लपेटी। ओके, आर्ट्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड ग्रैब्ड हर इन अ सोल, यानी कि टू पुट अ पेपर और क्लोथ अराउंड समथिंग, जैसा कंबल उड़ा देना, ठीक है। कहां पे था मैं, रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉक्ड हर मतलब रॉक्ड, ऐसे नहीं कि रॉकिंग बॉल है नहीं, तो एक रॉकिंग चेयर होती है जो आगे पीछे ऐसे चलती रहती है ना, जैसे एक तारक मेहता गोल्डन चश्मा देखते हो ना, जेठालाल जहां पे बैठता था, एक रॉकिंग चेयर होती है ना जिसके ऊपर मतलब एक क्या नाम रहता है, आगे पीछे एक इस तरीके से होती है ना। एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, तो ये है ना एक्चुअल के अंदर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, जिनका नाम एक्चुअल में आनंद मूल्य है। तो मेरा जो चैनल का नाम है रजत गावड़िया आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन, मेरे हर चैप्टर के अंदर आप देखोगे आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन लिखा होता है। तो आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन क्या है, हमारे लड्डू गोपाल जी का नाम है। तो एक उनकी हमने एक टेबल सी हम लेके आए, तो दिस इज काइंड ऑफ रॉकिंग चेयर। तो अब ये क्या है, अगर इसे मैं ना ऐसे किसी प्लेन सर्फेस के ऊपर रखूं, ठीक है, अभी तो नहीं, अभी ऐसे आपको कैसे बताऊं, ये देखो अभी क्या है, ये रॉकिंग चेयर है ना, ऐसे आगे पीछे ऐसे ना थोड़ा, अगर हाँ अब ये देखो मेरा हाथ मान लो एक स्टेबल है, तो क्या होगा, ये थोड़ी पीछे जाएगी थोड़ी आगे जाएगी, थोड़ी पीछे जाएगी थोड़ी आगे जाएगी। तो उनकी दादी माँ ऐसी एक रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठी थी, जय श्री कृष्णा, ठीक है। तो उनकी दादी माँ रॉक्ड है मतलब वो अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। कहां पे था मैं, यहाँ पे, द चाइल्ड क्लंग टू हर बॉडी सॉफ्टली, यानी कि क्या क्या उन्होंने दादी माँ की जो क्लंग मीन झप्पी पाने एक तरीके से, क्या होते हैं झप्पी पाए अपनी दादी माँ के। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे एक और चैप्टर करवाऊंगा ना मैं, चैप्टर नंबर 7, उसमें भी आपका ना कहीं दादी माँ का रोल है, बड़ा अच्छा है। चैप्टर नंबर 7 है रीच फॉर द टॉप, वो भी है ना, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मैं चैप्टर सोलमो सारे ही हमारे पास तैयार, हम एक्चुअल के अंदर अभी क्या तैयारी कर रहे हैं, अगले साल की हम ज्यादा तैयारी कर रहे हैं वैसे, कि इस साल तो हमारे चैनल के ऊपर हमें कि एक बार हम क्लास 9th का अभी हम सिलेबस पूरा क्लास 9th का कवर करवा के भेजेंगे। हम अगले साल है कि हम क्लास 9th के साथ साथ क्लास 10th 11th 12th हम सारी इंग्लिश कवर करवाएंगे। इसके साथ साथ बस अगले साल 10 साल हम ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे, अगले साल तो हम प्रॉपर इंग्लिश करवाने वाले एकदम हाई लेवल की, ठीक है। अगर कोई अगले साल के अंदर इंग्लिश तो है ही आप लोगों के, ठीक है, तो रिकमेंड प्लीज कीजिएगा, हमारा नया नया चैनल है तो प्लीज। ओके, आप लोगों के पास भी अगर वीडियो आई तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के पास वीडियो आई, नहीं तो वीडियो जाती 30-40 लोगों के पास है। ओके, बट इट गॉट फॉर, अब इतना कुछ होने के बाद बच्ची के मन में सवाल है कि मम्मा एक चीज बताओ, कि दादी माँ एक चीज बताओ, दुनिया भगवान ने पापा लोगों को बनाया क्यों है। What did God make father for? See, sob, sob means होता है रोते हुए कहने से। मम्मी दादी माँ ये पापा लोगों को बनाते क्यों भगवान जी, एकदम sob, sob means to cry by talking in sudden, यानी कि आप अटक अटक कैसे बोलते हो, मम्मी दादी माँ ये दुनिया में पापा लोगों को बनाते क्यों ये लोग, ऐसे रोते हुए बोलना, ठीक है। Here's a clean hanky darling, blow your nose, तो वो दादी माँ कहती है बेटा तू पहले बात तो बाद में करेगी, पहले तो अपनी नाक पहुंच ले, ठीक है, blow your nose, ऐसे ऐसे करना बंद कर, रोने के स्टाइल में मत बताओ मुझे। गो टू स्लीप, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट दिस इन द मॉर्निंग, तो कहते हैं बेटा रात गई बात गई तू भी ये बातें भूल जाना। ओके, तो उनके माता जी ने भी कहा कि बेटा रात गई बात गई तू भी ये सारी बातें भूल जाना। ओके, इस चीजों के बारे में ज्यादा सोचो मत आप लोग, ठीक है। गो टू योर स्लीप एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने मेरे पिताजी को बताने की कोशिश करी कि पापा देखो ये बात इस तरीके की है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, तो पर उन्होंने समझी नहीं क्योंकि वो उस टाइम गुस्से में थे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर वो बच्ची के मन में, तो देखो भाई बच्चों के मन में आ गई बात तो आ गई, अब उस बच्ची के मन से तो बात निकली नहीं, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट इट नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार जब भी उसके पापा जाते थे वो क्या करती थी, अपने ना हाथ तक ऐसे कर लेती थी कि नहीं अब नहीं मारने दूंगी, पहले तो मार दी अब नहीं मारने दूंगी, पहले मैं गलत जगह छुप गई अब मैं सही जगह छुपी हूँ। तो कहते हैं नेक्स्ट टाइम सी सो हिम सी क्विकली पुट हर बोथ हर हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू ऑन हर चीक, यानी कि ग्लास पे उनकी जो चीक जो होती रेड सा कलर आ जाता था डर की वजह से, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो अब कहानी की है, यहाँ पे एक तरीके से खत्म हुई, अब एक सीन चेंज होता है। अब सीन चेंज कहाँ पे होता है, अब यहाँ पे जो एक पड़ोसी थे उनके, एक काइंड ऑफ पड़ोसी थे जिनका नाम था मैकडोनल्ड्स, ठीक है, क्या नाम था उनका, मैकडोनल्ड्स नाम था उनका,
मैकडोनल्ड्स नाम था, मैकडोनल्ड्स सरनेम था उनका, तो उनकी भी फैमिली को एक बार क्या हुआ, केजिया जा रही थी, उन्होंने देखा कि अच्छा मैकडोनल्ड्स के जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। देखते हैं क्या सीन हुआ था, जानते हैं इसी एपिसोड के अंदर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लेट्स स्टार्ट, स्वागत है ब्रेक के बाद। ओके, द मैकडोनल्ड लिव्ड द नेक्स्ट स्टोरी, यानी कि पड़ोसी थे उनके, दे हैड फाइव चिल्ड्रन, क्या बात है, पांच बच्चे थे उनके, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, यानी कि एक वो होता है ना, आपको मैं दिखाई देता हूं, ये देखो एक गैप सा बना हुआ है ना, फेंस क्या होता है, बाउंड्री ऐसी होती है, ठीक है, तो बच्ची क्या है, उस बाउंड्री के थ्रू एक फेंस के अंदर एक होल था, यानी कि एक होल था, उसके अंदर से क्या कर रही थी बच्ची, झांक रही थी, क्या कर रही थी बच्ची, झांक रही थी, देखिए कहां पे हम लोग, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग। टैग क्या होता है, पकड़म पकड़े, हिंदी में सीधी भाषा में बोलूं तो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे वो, अ गेम वेयर पीपल ट्राई टू कैच ईच अदर इन द इवनिंग, द फादर विद अ बेबी ऑन हिज शोल्डर, यानी कि जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया होता है, एक बच्चे को तो अपने शोल्डर पे उठाया होता है, ये इस बच्चे का नाम क्या, माओ, याद मत करने बैठ जाना, ठीक है, ऐसे टाइम पास ले लीजिए, मैंने भी अपने टाइम से पेन नहीं चला था ना, मैं सोचा थोड़ी देर पेन चला लेता हूँ, ठीक है, अब बेबी मॉ ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज शोल्डर कोट, यानी कि दो बच्चे उनके जो शोल्डर कोट जो था उसके ऊपर ऐसे हैंग हो रही थी, यानी कि लटके लटक रहे थे, टू गर्ल्स लिटिल, ओके, टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, पॉकेट रैन राउंड एंड फॉलो द ब्रेड, ओके, फॉलो राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड क्या होता है, गार्डन, तो गार्डन के अंदर बच्चे लोग जो क्या थे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, ठीक है, ओके, शेकिंग विद लाफ्टर, अब पकड़े पकड़े के अंदर हंसी मजाक चल रहा था, खेलते हैं ना हम लोग, हंसते हंसते खेलते हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द होस, होस मतलब क्या होता है, पानी का पाइप, ओके, अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच इट्स वॉटर कैन फ्लो, तो उन्होंने क्या किया, खेलते खेलते एक बच्चा आया शरारती, तो उसने क्या किया, पानी का पाइप चालू कर दिया, तो वो क्या है, ऐसे एक दूसरे की तरफ पानी फेंक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, about him and he tried to catch them laughing all the time, yani ki ek acha sa scene sa chal raha hai, ek pita ji hai, ek bacche ko godi pe utha raha hai, do bachcho ko aise kar raha hai, do bacche hai wo pani ki pichkari leke aise aise kar raha hai, enjoy kar raha hai everybody, okay, then it was he decided, ab see yahan pe kise refer kar raha hai, kidia ko, to yahan pe kidia ko pata chala ki are mamu ke sara kutto gadbad hai, daya sara ke samajh mein aa gaya, kya kehti bachchi, decided that there were different sorts of father, sort matlab type, कि भैया भगवान जी ने एक तरह के पिताजी नहीं बनाए, भगवान जी ने अलग अलग तरह के पिताजी बनाई है, समझ में आ गया, वो सडनली वन डे मदर बिकम इल, तो एक दिन क्या हुआ कि भैया उनकी जो माता जी थी, मदर यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, केजिया की माँ को, ठीक है, मदर बिकम इल, तो केजिया की माँ को कुछ होगी बीमारी, थोड़ी बीमार सी होगी, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, तो फिर वो हॉस्पिटल चले गए कि बस देखते हैं, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, अब ये एलिस कौन है, हमारा कुक है, Who is Alice? The Alice is a cook. Okay, the little girl was left alone in the house with the cook. Alice called the cook, and this was okay. That was all right in the daytime. यानी कि दिन के अंदर बच्ची को कोई डर नहीं था, लेकिन रात के अंदर बच्ची को क्या आते थे? डरावने सपने आते थे. देखिए क्या लिखा है आगे. Okay, but Alice was putting her to bed. तो दिन के अंदर तो हो गया, लेकिन जब एलिस रात को बच्ची को सुलाने गया, तो क्या was putting her to the bed. She grew up suddenly afraid. अब वो अचानक से डर के उठ गई. Okay, what will I do if I have a nightmare? क्या करूंगी अगर मुझे एक nightmare है? Nightmare का मतलब अगर मुझे कोई डरावना सपना है, तो बॉस मैं क्या करूंगी? She asked की, यानी पूछा. I often have nightmare. अब ये एलिस भी ऐसा, वो कहते बेटा मुझे भी आते हैं, क्या करूं? I often have nightmare. Then granny, grandmother takes me to her bed. I can't stay in the dark. It all get whispery. Whispery means सन्नाटा सा होता है ना, एकदम सन्नाटा, जैसे अभी आया ना सन्नाटा, कुछ नहीं है, डरावनी आवाजें आ रही हैं, ठीक है, उस तरीके से. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे ना, अगर मैं अकेली होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे विस्परी टाइप से लगने लग पड़ता है, डरावनी आवाजें आने लग पड़ती है. ओके, इन द डार्क, ओ यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, वो कहते हैं वो बच्चा है, गाली ना बना, सोने जा तू, सो, जब बाप को ना सिखा, बिल्कुल ऐसे वो जो होता है ना, अक्सर मार नहीं, चल चल ऐसे मुझे ना सिखा, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, तो यहाँ पे एक चीज तो यार इस कहानी में मुझे बड़ी अजीब लगती है, ये सबके सबके हाथ पैरों के लगते ही नहीं है, सब लोग कोई उसका वो कहते कि मेरे जूते उतार दो, कोई इसकी स्लीपर्स उतार रहे, कोई सॉक्स उतार रहे, अजीब जमाना है भाई.
ओके सेड एलिस पुलिंग ऑफ पुलिंग ऑफर सॉफ्ट ओवर वो बच्चे को आराम से सुलाया उसने, उन्होंने उसकी जुराबे उतारी एंड यू डोंट स्क्रीम, और कहते बेटा अगर तुझे आ भी जाए तो चीखना मत, तेरा बाप उठ जाएगा, ठीक है ठीक है, एंड वेक अप योर पुअर, अपने पिताजी को मत उठाना, वो उठाएंगे तो वो मुझे और कहेंगे, मुझे कोई काम होता है ना, रात को उठता है इंसान तो पहले बोलते हैं यार उठ गया कुछ खा पी के सोएंगे, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, रात को उठते हैं मैगी बन जाती है अपने आप। चलो आगे देखिए लास्ट मैसेजेस के ऊपर हम आ चुके हैं, ओके ओके बट द सेम ओल्ड, ठीक है थोड़ा सा और इंतजार, 40 मिनट की बन गई, 50 मिनट तक जाएगी फिर तो लेक्चर, ओके बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर गेम पर वही डरावना सपना आया, द बच्चर, ओके द बच्चर, बच्चर इज अ काइंड ऑफ होता है ना हम लोगों को बचपन के अंदर नाम से डराया, बोगर्ट नाम से डराया जा, हाउ आ जाएगा मोस्ट फेमस यार बच्चा सो जाओ ना हाउ आ जाएगा, हाउ मतलब एक तरीके से हमारी काल्पनिक इमेजिन, मुझे जैसे मेरी दीदी हमेशा मुझे कहते थे कि बंदर आ जाएगा, बंदर उठा के ले जाते बच्चों को, तो मैं ऐसे डर सा जाता था कि भाई बंदर ना उठा के ले जाए, ठीक है अब देखो बचपन की मासूमियत है, ओके अब बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप, तो एक बच्चर एक नाइफ के साथ और एक रोप के साथ उसे दिखाई दिया बिल्कुल जैसे इमेज के अंदर दिखाया, वो केम नियरर एंड नियरर, जो पास उसके आता जा रहा था स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मींस बहुत ही मतलब भूतिया स्माइल होती है ना ऐसे करके एकदम ऐसे करके डरावनी सी स्माइल होती है, ओके स्माइल एंड व्हाइल शी कुड नॉट मूव एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल, तो बच्ची मूव तो कर नहीं पाती थी वो एकदम ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती थी स्टैंड स्टिल, ओके क्राइंग आउट, अब वो रोने लग पड़ेगी, अरे वो अचानक से क्या उठी ऐसे हो गई और वो रोने लग पड़े क्राइंग आउट, ग्रैंड माँ दादी माँ सी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कांपते हुए, ओके टू शेक स्लाइटली स्पेशली बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन डरे हुए हो आप लोग, तो ऐसे कांप रही थी वो ऐसे, ठीक है टू सी फादर बिसाइड हर, तो टू हर सरप्राइज क्या हुआ वो जैसे उठी ना उसके पापा जी उसके जस्ट साइड में खड़े हुए थे उसके पिताजी, ओके टू सी ओके बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड, तो ये सोच के देखो बच्ची उठी पिताजी कैंडल के साथ ऐसे खड़े हुए हैं, सीन डाउन है, ओके व्हाट द मैटर ही सेड, बेटा क्या हो गया तू ऐसे डर क्यों गई, नॉर्मल फादर ही पूछेंगे बेटा क्या हुआ तू क्यों डर रही है क्या हो गया तुझे, मुझे डर लग रहा मुझे दादी माँ चाहिए, तो बच्ची ऐसे चिल्लाने लग पड़ी ब्लो आउट द कैंडल, तो उन्होंने क्या किया कैंडल को बुझा दिया, मुझे पता नहीं सीन के ऊपर नहीं लग रहा है, तो उन्होंने ऐसे करके कैंडल को बुझा दिया, अब मैं सोच के देख रहा बच्ची उठी और उसका पिताजी ऐसे करके बेटा क्या हुआ, फिर ऐसे वैसे मोमबत्ती बुझा दी, डर टाइप तो मुझे भी लग रहा है चंपे को पढ़ते हुए, ओके ही ब्लू आउट द कैंडल एंड बेंड डाउन, यानी कि उन्होंने क्या किया ऐसे मोमबत्ती बुझाई बेंड डाउन बेंड हुए केजा को गोदी में लिया गोदी के अंदर लिया और वो उन्हें अपने रूम के अंदर लेके चले गए, ठीक है ब्लू हर ओके ब्लू आउट द कैंडल बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हर आर्म्स कैरिंग अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, यानी कि वो ना अपने रूम के अंदर लेके चले गए, अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर था तो उन्होंने क्या किया न्यूज़पेपर को हटा दिया, ही पुट द पेपर अवे एंड देन केयरफुली टक्ड अप चाइल्ड, यानी कि क्या क्या बच्ची को आराम से लेटा दिया, यानी कि टू पुल द बेड कवर्स ओवर समवन बच्ची को लेटा है उसके ऊपर कंबल उड़ा दी बच्ची को, ठीक है ही ले डाउन, एक बार मैं आपको ना नीचे वाली इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, तो बच्ची को क्या क्या मान लो केजिया ये केजिया बच्ची है ये उनके पापा है, तो उन्हें इस डायग्राम को बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो इसकी, ठीक है तो उन्हें आराम से बच्ची को लेटाया, आने वाले जो भी है ना ये सारा आपको इस इमेज को अच्छे से ध्यान में रखना सारा क्लियर हो जाएगा सारी इमेज बननी चाहिए, ओके ही ले डाउन बिसाइड हर, यानी कि वो उनके पास जाके लेट गए उनके पिताजी हाफ अस्लीप, थोड़ी सी नींद आई थी स्टिल एंड स्टिल विद बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, यानी कि क्या हुआ जैसे वो सोने लगी उसके विवाह में वापस वही बच्चर की जो स्माइल थी ड्रेडफुल स्माइल थी डरावनी स्माइल थी वो उसके आंखों के सामने आने लग पड़े, ओके सी क्रैप क्रैप मीन्स गेट कोलर गेट क्लोजर, काफी और होते हैं ना हमें डर सा लगता है तो हम अपने मम्मी पापा या दीदी के एकदम चिपक के सो जाते हैं, तो वो गेट क्लोजर तो वो एकदम क्रैप होगी गेट क्लोजर टू हिम, हिम यहाँ पे किसे रेफर करना अपने पापा की एकदम चिपक के सोगी वो, स्नग स्नग मीन्स होता है टू गेट कंफर्टेबल विद अनदर पर्सन, यानी कि होते हैं ना हम अच्छे से बांध डाल के सो जाते हैं जैसे होते हैं ना कंफर्टेबल होकर सोते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने भी क्या किया उन्होंने स्नग मीन्स कंफर्टेबल होगी उनके साथ हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, यानी कि आराम से एकदम उनके पापा की जो शर्ट था एकदम अच्छे से उनके पास ऐसे जाके सो गई, ओके देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तो अब उसके बाद अगर देखो आप अपने मम्मी पापा के पास एकदम उनके उनके पास आराम से सोते हैं ना तो कोई डर हम लोगों को नहीं लगता, ठीक है हम कल होते हैं तब डेफिनेटली डर लगता है लेकिन हम अपने माँ बाप के साथ होते हैं तब हमें कोई डर नहीं लगता, ओके सी ले स्टिल, यानी कि वो आराम से लेटी हुई थी ली का मतलब होता है लेटना, हाँ ओके हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, एक तो वो पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा देख तो अपने पैरों का ना मेरे पैरों के साथ रब कर जिससे वो क्या हो जाएंगे गर्म हो जाएंगे, ठीक है
आपके पैरों कंफर्टेबल हो जाए और आराम से मेरे पास सो जाओ आप लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। तो क्या हुआ, एक्सेल के अंदर चलो कहानी तो खत्म होने गई, तो क्या हुआ वो पिताजी थोड़े थके हुए थे तो वो पहले बच्ची को सुलाते सुलाते खुद ही सो गए। तो एक्चुअली बहुत ही मजेदार चैप्टर लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है और एक हैप्पी चैप्टर है ये, ठीक है। अगर क्लास ट्वेल्थ में जाओगे ना ऐसे मतलब रो टू चैप्टर है, सच बताऊं तो क्लास ट्वेल्थ के अंदर रोना जाता है लास्ट के अंदर। यहाँ पे अच्छे अच्छे चैप्टर है क्लास नाइन के अंदर। Tired out, he slept before the little girl. यानी कि वो बच्चे पिताजी पहले सो के बच्ची को सुलाते सुलाते। A funny feeling came over her. तो उसके मन में भी feeling है, poor father, अरे पापा, not so big at all. यहाँ पे not so big at all किसका reference दिया जा रहा है? उन्हें एक बार बोला था giant है, giant. तो वही यहाँ पे giant का reference दिया गया। And when no one to look after him. और मेरे पिताजी के कोई देखभाल करने के लिए है नहीं, क्योंकि वो तो काम पे चले जाते हैं, आते हैं मतलब सो जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कौन है। He was hard. Hard means feeling of protectiveness. जब मैं मेरे पापा के साथ होती हूँ तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है प्रोटेक्टिवनेस की। Then grandmother, but it was nice hardness. मुझे मेरी दादी माँ से ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग आती है और मुझे अच्छा लग रहा है, ये चीज ऐसी बुरी चीज नहीं है ये। And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. तो कह रहे हमेशा उनके माता मेरे पापा को कितना काम करना पड़ता है और उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों को खिला सके, तो क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। She had torn all his beautiful writing. जो उन्होंने स्पीच थी ना उनकी, जो स्पीच उन्होंने फाड़ी थी, तो कह रहे मैंने तो उनकी प्यारी सी स्पीच फाड़ दी थी। ओके अब उसे समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रही है गलती। ओके सी स्टेयर्ड सडनली, यानी कि मूविंग इन द बेड, तो वो क्या करवट ले रही थी बेड के अंदर। एंड सैड, ये सैड मींस मतलब वो आवाज करते हुए ऐसे करते हुए वो करवट ले रही थी। ओके व्हाट्स द मैटर, तो उसके पिताजी उठे कहते क्या हुआ, वापस कोई बुरा आना सपना है? आ फादर अनदर ड्रीम, कोई बुरा सपना है? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड ऑन योर हर्ट, यानी कि मेरा सर आपके दिल के ऊपर है और मैं आपकी हर्ट बीट सुन सकती हूं। बहुत ही प्यारी लाइन है, ओके आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी हर्ट बीट सुन सकती हूं। और मुझे एक चीज पता चल गया, यू हैव बिग हर्ट, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट और डियर फादर। तो वो कह रहे कि पापा आपका बहुत ही बड़ा दिल है। और इतनी प्यारी एंडिंग के साथ इस चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, मुझे बहुत मजा आया इस चैप्टर को समझाने के अंदर। अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर, जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं, अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर पसंद आया तो दबा कर ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर इस चैप्टर की समरी के साथ। इस चैप्टर की समरी देखना मत भूलिएगा, ठीक है, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समरी नहीं है तो फिर पता ही नहीं चलेगा। समरी देखना, उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, तो भैया।